का दो पद प्रश्न वाले 3.13 पहले का दूसरा सवाल पांचवा इसमें अपन ने ये सवाल इसलिए लिया क्योंकि रूट वाला में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, इसको हम हल कैसे करेंगे, जबकि घबराने वाली बात नहीं, बहुत ही सरल है। सभी का जैसे बहुपद दिया गया x स्क्वायर माइनस स्क्वायर यानी x की घात 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 x, अभी रूट 3 प्लस 1 पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा है x प्लस रूट 3, घबराने वाली बात नहीं, अपन गुणनफल करते हैं, वैसे इसको सरल रूप से करना है। अब इसे गुणनफल करने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि हम रूट 3 रूट वाले अपने गुणनफल कैसे करें, अपन क्या करते हैं गुणनफल में x स्क्वायर के साथ में जो गुणा में राशि आती है उसका आखिरी अचर पद से गुणा करते हैं, फिर उसके आगे वाला चिन्ह देखते हैं, ठीक है, कि उसके आगे क्या चिन्ह है, यानी कि इसका गुणा अगर रूट तीन से करें रूट तीन में क्या जोड़ेगी ये वाला पद आ जाए, तो इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ, जबकि ये बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि माइनस है, इस माइनस और इस एक्स का इन दोनों जो पद में जो दोनों अचर पद दिए गए हैं इनसे गुणा कर दो तो ये बिल्कुल सरल हो जाएगी और असल में अपन कॉमन लेके हल कर लेंगे। तो माइनस का गुणा अंदर होता है किसी भी ब्रैकेट के अंदर तो उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं, अगर वो चिन्ह प्लस का है तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस के तो प्लस, यहाँ दोनों प्लस के और x है तो माइनस इससे गुणा होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस रूट तीन और माइनस का एक, एक्स गुणा होगा तो माइनस का रूट तीन एक्स और ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस रूट तीन। ये सरल हो गया, चार पद हो गया, चार पद में से दो दो में से कॉमन ले लो, ये दो पद दिए और ये दो पद दिए, इन दोनों में से कॉमन लिया अपन ने, x ही कॉमन आ रहा था, x बाहर ले लिया अपन ने, ठीक है, और इसमें ब्रैकेट में लेके एक x बाहर आ गया, जैसे यहाँ था x स्क्वायर का मतलब x गुणा x, तो एक x बाहर आ गया तो यहाँ एक x बचा, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया तो रूट तीन बचा। अब यहाँ पर भी यही पद होना चाहिए अपने पास, कॉमन लेने में अपने पास यही पद होना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों में से अपन कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ आ रहा है x माइनस रूट तीन और यहाँ आ रहा है x प्लस रूट तीन लेकिन यहाँ माइनस का, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है यानी कि एक कॉमन आ रहा है, भाई एक का किसी से भी गुणा करो वो केवल ही संख्या आता है, इसलिए यहाँ पे अपन ने एक कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह बदलने हैं, यहाँ पे x के आगे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ रूट तीन के आगे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस भी कॉमन ले लो, जैसे माइनस का गुणा अंदर करते चिन्ह बदल जाता है वैसे माइनस अगर कॉमन लेंगे तो भी चिन्ह बदलेंगे, माइनस कॉमन आया तो माइनस एक्स का प्लस एक्स बन गया और प्लस रूट तीन का माइनस रूट तीन बन गया। अब इसमें ये वाला पद और ये वाला पद दोनों समान पद है, तो अब ये एक पद ये हो गया और एक एक पद हो गया, दो पद हो गए। अब दो पद में से इसमें भी एक्स माइनस रूट तीन आ रहा है, इसमें भी एक्स माइनस रूट तीन, तो एक्स माइनस रूट तीन अपन ने बाहर निकाल दिया तो यहाँ से बचा एक्स और यहाँ से बचा माइनस का एक। अब दो पद आ गए, दो गुणनखंड आ गए, इसको शून्य के बराबर करके शून्यांक निकाल लेंगे, एक्स माइनस एक बराबर शून्य, माइनस एक उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, शून्य प्लस एक एक ही होता है, शून्य में एक जोड़ेंगे तो अल्फा आ गया अपने पास एक। दूसरा एक्स माइनस रूट तीन को शून्य के बराबर कर दो तो माइनस तीन उधर जाएगा प्लस का रूट तीन हो जाएगा, शून्य से जुड़ जाएगा, एक्स बराबर शून्य प्लस रूट तीन तो एक्स बराबर रूट तीन, तो बीटा बराबर आ गया अपने पास रूट तीन, तो ये अल्फा और ये बीटा ये अपने पास दो शून्यांक आ गए, चूंकि ये द्विघात समीप बहुपद था तो बहुपद इसके अंदर अपने पास आ गए। संबंधों की तुलना मूल स्वरूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है माइनस x का गुणा बटे वा x का गुणा बटे वा x स्क्वायर का गुणा, तो x का गुणा अब याद रखो x का गुणा माइनस तो सूत्र के अंदर है, माइनस सूत्र के अंदर है और x का गुणांक, x का गुणांक ये पूरा है यहाँ पर माइनस रूट तीन एक्स, ये पूरा आएगा, चिन्ह भी आएगा उसके अंदर, तो माइनस तो सूत्र का है और x का गुणांक आ रहा है माइनस रूट तीन प्लस एक बटे वा एक, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी नहीं है, इसका मतलब कितना है एक, तो माइनस सूत्र का माइनस रूट तीन प्लस एक ये वाला दे रखा है x का गुणांक बटे वा एक। अब माइनस का अंदर गुणा होता है तो क्या होता है चिन्ह बदलता है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए पहले माइनस का माइनस से गुणा कर दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और रूट तीन प्लस ऐसे कैसे बच गया है क्योंकि किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो अंदर कोई भी चिन्ह बदलता नहीं और एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पर एक। अब डायरेक्ट जो अपना मान निकला था उससे जोड़ लो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा तो आया था अपने पास एक और बीटा आया था रूट तीन, तो एक प्लस रूट तीन, इसको दोनों प्लस किए तो दोनों को आगे पीछे अपन रख सकते हैं रूट तीन प्लस एक। अब आया शून्यांकों का गुणनफल, सूत्र था अपने पास अल्फा गुणा बीटा अचर पद बटे वा एक्स स्क्वायर का गुणा अचर पद यानी कि सी, एक्स स्क्वायर का गुणा यानी कि ए, तो अचर पद यहाँ पे अपने पास कितना है रूट तीन और एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक यानी रूट तीन बटे वा ए। अब इनका गुणा करके देख लो तो रूट तीन बटे वा एक यानी कि रूट तीन ही आ रहा है। अब इनका गुणा करके देख लो अल्फा गुणा बीटा यानी कि रूट तीन गुणा एक, इसका मतलब हो गया ये रूट तीन और
एक गुणा रूट तीन, एक का किसी भी संख्या से गुणा होगा तो वो केवल संख्या आएगी और ये इसके सत्यता की जांच भी हो गई गुणांकों।